नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीते दिनों बिहार दरोगा परीक्षा भर्ती का रिजल्ट सामने आता है, जिसमें आपको बताया कि 3 ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने भी बाजी मारी है। अब बिहार में 3 ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनेंगे, यानी दरोगा बनने वाले हैं। नीतीश कुमार का ये प्रयोग आखिरकार कितना बिहार में रंग लाने वाला है और नीतीश कुमार ने ये प्रयोग बिहार में क्यों किया है, आइए आपको बताते हैं। पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 1275 पदों पर ली गई परीक्षा का अंतिम परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया गया, जिसमें 822 पुरुष 450 महिला के साथ इस बार तीन ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है। बिहार पुलिस में सिपाही के बाद अब पहली बार दरोगा के पद पर भी ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी का चयन हुआ है। ये अभ्यर्थी अब ट्रेनिंग के बाद खाकी वर्दी पहनकर थानों में दरोगा बनकर अपनी ड्यूटी करते दिखेंगे। इन 3 ट्रांसजेंडरों में 2 ट्रांसमैन और 1 ट्रांसवुमेन शामिल हैं। पहली दरोगा ट्रांसवुमेन मानवी मधु कश्यप ने अपनी सफलता की खुशी जाहिर करते हुए यहां तक के सफर के बारे में बताया है। बिहार में अब महिला और पुरुषों के साथ थाने में ट्रांसजेंडर दारोगा भी दिखेंगे। 3 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों ने कड़ी मेहनत के दम पर इस बार सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में सफलता हासिल की है। प्रदेश की पहली ट्रांसवुमेन मानवी मधु कश्यप ने सफलता का राज बताया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और पटना के गुरु रहमान को भी अपनी सफलता की क्रेडिट दिया। बता दें कि इस परीक्षा में ट्रांसजेंडर के लिए 85.6 कट ऑफ नंबर रहा है। बिहार पुलिस में अब 3 ट्रांसजेंडर रोनित झा, बंटी कुमार और मानवी मधु कश्यप दरोगा के रूप में अपनी सेवा देंगे। वहीं मानवी आगे कहती हैं कि सफलता के लिए मुख्यमंत्री रहमान सर, सुल्तान सर और अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहती हूं। आपको बता दें कि बिहार सरकार किन्नरों को नई दिशा देने की ओर काफ़ी पहले से प्रयासरत है। सीएम नीतीश कुमार ने एक तरह से ये प्रयोग किया है, जिसमें किन्नरों को नई धारा से जोड़ा जाए और किन्नरों को लेकर लोगों की मानसिकता बदल सके। सरकार ने पहला फैसला लिया कि किन्नरों को बिहार पुलिस से भी जोड़ दिया जाए। पहले सिपाही और अब दरोगा के पद पर भी किन्नर चयनित हुए हैं। बता दें कि कुछ साल पहले बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र दायर किया था, जिसमें बताया गया था कि पुलिस बहाली में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण दिया गया है। सरकार की योजना है कि किन्नर समुदाय से एक एक दरोगा और 4-4 सिपाही हर जिले में तैनात हो। किन्नरों को सामाजिक न्याय दिलाने की ओर सरकार का ये प्रयोग है। किन्नरों के लिए पुलिस विभाग में स्पेशल यूनिट होने की बात कोर्ट को बताई गई थी। तो देखिए, पहले सिपाही और अब दरोगा, तो बिहार में किन्नर जो हैं वो वर्दी पहनकर अब ड्यूटी पर भी उतरने वाले हैं। और अब बिहार सरकार ने ये पहल की है और ये पहल अब रंग लाती हुई भी दिख रही है, क्योंकि ट्रांसजेंडरों को भी मौका मिले, उन्हें भी आगे बढ़ाया जाए, उनका भी विकास हो, ऐसा बिहार सरकार करना चाहती है, नीतीश कुमार करना चाहते हैं। और यही पहल अब रंग लाती हुई दिख रही है, जहां एक तरफ पहले सिपाही के पद पर भर्ती निकाली गई थी और अब दरोगा के पद पर जब भर्ती निकाली गई तो रिजर्वेशन यानी आरक्षण ट्रांसजेंडरों को भी दिया गया, जिसमें अब जो जब रिजल्ट सामने आया है तो जिसमें 3 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी भी बाजी मार चुके हैं। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर।